नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में अपराध का रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। आए दिन दिन दहाड़े हत्याकांड हो रही है, लूट हो रही है, मर्डर हो रहा है। इसको लेकर के खासा नीतीश कुमार से सवाल उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार से विपक्ष सवाल उठाए, साथ ही साथ उनके सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही नीतीश कुमार इसको लेकर खासा परेशान भी है। उन्होंने आज एक बड़ी मदद मांगी है, किनसे मदद मांगी है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, आज 6 लेन अटल पथ का उद्घाटन करने पहुंचे थे दीघा। उनसे सवाल किया गया, नीतीश कुमार से सवाल किया गया, जो बीते दिनों रुपेश कुमार सिंह का हत्याकांड हुआ था। 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ में सबूत नहीं मिला कौन हत्या किया। इसको लेकर के सवाल जब किया गया तो नीतीश कुमार खासा नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाया 15 साल बीते, बार बार वो बात करते हैं लालू रावड़ी की, इस बार भी उन्होंने फिर से बिना नाम लिए ही पति पत्नी का शासन की बात उन्होंने कहा, और साथ ही कहा कि बिहार में अभी अपराध का रिकॉर्ड कम है। और आपको बता दें कि पत्रकारों से उन्होंने मदद मांगा है कि अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, इधर से गड़बड़ी हुई, उधर से गड़बड़ी हुई, तो आप मुझे डायरेक्ट बताएं। और साथ ही DGP को निर्देश दिया है, जो पत्रकार हैं उनसे बात कीजिए और पूछे कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसमें शामिल कीजिए उनकी बात को। साथ ही उन्होंने कहा है कि DGP अब आपके फोन उठाएंगे। उनसे सवाल किया गया था आपके DGP फोन उठाते नहीं है, तो उन्होंने तुरंत वहीं पे DGP को फोन लगाया और बात किया और उनको निर्देश दिया कि पत्रकारों के कॉल को उठाएं, अलग से एक आदमी को रखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक आदमी को भी रखें। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है बिहार में, इसको लेकर के खासा नीतीश कुमार तो नाराज हैं, साथ साथ लगातार पत्रकार भी सवाल उनसे पूछ रहे हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार आज झल्लाते नजर आए। तो इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कोई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।